हेलो किसान भाइयों, फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बायर कंपनी का मोमेंटो कीटनाशक के बारे में, इसका डोज कितना फसल में स्प्रे करना है, कौन कौन सा कीटों को नियंत्रण कर सकता है, फसलों का कौन सा बीमारी को नियंत्रण करता है जो मोमेंटो कीटनाशक है, उसके साथ दूसरा कोई कीटनाशक एक साथ मिश्र स्प्रे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसका रिजल्ट कब मिलता है, लगभग ए टू जेड इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्रिश्चियन भाई, मोमेंटो जो बायर कंपनी का कीटनाशक है, इसका टेक्निकल फॉर्म क्या रहता है, इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है, अभी इसके बारे में बात करें। जैसे इसका केमिकल कंपोजिशन रहता है स्पाइरोटेट्रामेट 11.01% प्लस इमिडाक्लोरोपिड 11.01% जो बेहतरीन काम करता है फसलों में इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसमें डबल टॉनिक है, काम भी बहुत अच्छा करता है फसलों में जो बायर कंपनी का मोमेंटो कीटनाशक है। अभी बात करेंगे मोमेंटो जो कीटनाशक है कौन कौन सा फसल में आप यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में अभी बात करेंगे। जैसे खीरा का फसलों में, लौकी का फसलों में, कद्दू का फसलों में, करेला का फसलों में, इसके अलावा जैसे टमाटर का फसलों में, मिर्च का फसलों में, बैंगन का फसलों में, लोबिया का फसलों में, तुराई का फसलों में, गार्लिक ऑनियन का फसलों में, इसके अलावा जैसे बीन का फसलों में, इसके अलावा जैसे ग्राउंड नट पीनट जैसे फसलों में, इसके अलावा जैसे लगभग सब्जी वर्ग की फसलों में फलों में यूज़ कर सकते हैं मोमेंटो जो कीटनाशक, काम भी बेहतरीन करता है। क्रिश्चियन भाइयों, आई बात करेंगे बायर का जो मोमेंटो कीटनाशक है कौन कौन सा कीटों का कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में अभी बात करेंगे। जैसे थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, रेड माइट माइट जैसे बॉलम जैसे इंसेक्ट को खत्म कर सकता है, इसके अलावा जैसे जेसिड एपिड जो इंसेक्ट करता है फसल में उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्या होता है फसल खराब हो जाता है इंसेक्ट का वजह से तो नियंत्रण कर सकते हैं। अच्छा जो मोमेंटो कीटनाशक की स्प्रे करके इसका ब्रांडेड नेम है जो बायर का, काम भी बेहतरीन करता है, इसका डोज भी सही फसलों में स्प्रे करना है। किसान भाई, आई बात करेंगे आपका सब्जियों का खेती बाड़ी में फसल का जैसे पत्ता मुड़ने वाली बीमारी आता है इसमें क्या होता है, निचली तरफ का जो मुड़ने वाली बीमारी आता है पत्ताओं में और जैसे ऊपरी तरफ का जैसे पत्ता मुड़ने वाली बीमारी आता है इसमें क्या होता है, जैसे थ्रिप्स का वजह से व्हाइट फ्लाई का वजह से क्या होता है पत्ता का निचली तरफ का जो बीमारी आता है और ऊपरी तरफ का जो बीमारी आता है माइट का वजह से, रेड माइट का वजह से जो फसल खराब हो जाता है फसल अच्छा नहीं मिलता है इसमें क्या, इसको डबल टोनिक जैसे स्पाइरोटेट्रामेट प्लस इमिडाक्लोरोपिड फसलों में जो दो तरफ का जो दूसरा जो बीमारी आता है पत्ता मुड़ने वाला दो तरफ का खत्म हो जाता है और अच्छा कंट्रोल भी होता है, कीटों को नियंत्रण करने के लिए वायरस जो फसलों का वायरस इंसेक्ट आता है इसको भी खत्म कर सकता है मोमेंटो कीटनाशक स्प्रे करके, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। क्रिश्चियन भाइयों, आई बात करेंगे बायर का जो मोमेंटो कीटनाशक इसका डोज का बारे में, कोई भी फसल में आपका डोज सही होना चाहिए स्प्रे करने के लिए और उसका इंसेक्ट भी बहुत अच्छा नियंत्रण आता है। जो बायर का मोमेंटो कीटनाशक इसका डोज है लगभग 100 ml 100 लीटर पानियों में घुलकर स्प्रे करना है, उसके साथ दूसरा कोई भी कीटनाशक भी आप एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं जैसे एसीटामारपीट इसका एसीपेट जैसे, इसके अलावा जैसे प्रोफेनोफास जैसे डाइमेथोल 30% डाइफेंथोरियम एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं, एक साथ मिक्स करके भी जैसे किलर साई कंपनी का इसका भी एडमायर जैसे बायर कंपनी का स्प्रे कर सकते हैं, एक साथ मिक्स करके काम भी बेहतरीन करते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, एक साथ मिक्स करके इसका डोज थोड़ा सा कम रखकर देना है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। क्रिश्चियन भाइयों, आई बात करेंगे बायर का जो मोमेंटो कीटनाशक है फसलों में स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट कब मिलता है, जैसे आप स्प्रे करने के बाद क्या बीमारी खत्म हुआ नहीं हुआ, इसका रिजल्ट लगभग 15 डेज का अंदर उसका रिजल्ट मिल जाता है, बहुत अच्छा नियंत्रण भी होता है पत्ता मुड़ने वाली बीमारी जैसा नियंत्रण कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे कोई भी इंसेक्ट जैसे व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स जो वायरस इंसेक्ट है नियंत्रण कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे जेसिड एपिड इसका भी नियंत्रण कर सकते हैं, माइट का वजह से जो बीमारी आते हैं फसलों में माइट का भी नियंत्रण कर सकते हैं, जो पत्ता मुड़ने वाली बीमारी भी खत्म होता है इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। अभी बात करेंगे मोमेंटो जो कीटनाशक है इसका दूसरा स्प्रे कब करना है फसलों में, पहला स्प्रे करने के बाद अब दूसरा स्प्रे लगभग 20 डेज के बाद आप फसलों में दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं 30 डेज के बाद आप तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, इसके अलावा चौथा स्प्रे भी कर सकते हैं जैसे लॉन्ग टाइम जो वेजिटेबल होता है उसमें चौथा स्प्रे भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बेहतरीन कीटों भी नियंत्रण होता है।
क्वेश्चन भाई, मिर्च का फसल में क्या होता है? जैसे टमाटर का फसल है, व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स इंसेक्ट ज़्यादा आता है, माइट भी ज़्यादा इंसेक्ट आता है, तो इसको नियंत्रण करने के लिए आप टमाटर मिर्च का फसल में मोमेंटो जो कीटनाशक स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लोबिया का फसल में भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई जैसी जो माइट इंसेक्ट आता है, नियंत्रण होता है। किशन भाइयों, इस वीडियो में जो मोमेंटो कीटनाशक है, इसके बारे में लगभग ए टू जेड बात किया था। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। इसके अलावा आपका दूसरा कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहता है तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक में आप वीडियो चाहता है।